जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये केपी के गवर्नमेंट से हम एक अपील करना चाह रहे हैं। इस टाइम अपना जोन से ये देखें, ये सारे इधर के मकामी लोग हैं, इधर बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है, इन लोगों के घर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और केपी के गवर्नमेंट ने इधर वादा किया था रोड बनाने का, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने रोड बनाई थी। तो अभी बात करेंगे हम अब्दुल सत्तार भाई से। अब्दुल सत्तार भाई बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड पहले जो इसका स्ट्रक्चर था वो अपनी जगह था, जो कि सैलाब आया है, जो अपना रोड के हदूदात थे वो सैलाब लेके बहा के लेके गया है। तो इनके साथ जो बात हुई थी गवर्नमेंट की और लोकल जो मशरान की बात हुई थी, तो इनको उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम दिया था पीरियड, तो उस टाइम तक इनको शायद पैसे नहीं मिले, तो उस वजह से इन्होंने ये रोड ब्लॉक किया। सही देखें जी, ये लोग हम मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ ये हक पे हैं। जाहिरी बात है इन लोगों का रोजगार है, इन लोगों के बाल बच्चे हैं, इनके अपने मामलात हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट और हम लोग हम मुसलमान एक उम्मत की तरह हैं, तो अगर हम इनका साथ नहीं देंगे, हर बंदा अपनी आज के दौर में अपने कामों में लगा हुआ है, तो मैं भाई के साथ दिल से भी साथ हूँ और अमली तौर पर भी जो कर सकता हूँ भाई के साथ मैं साथ दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के तवस्सुल से ये मैं केपी के गवर्नमेंट से स्पेशल अपील करता हूँ कि प्लीज प्लीज आपको पूरी दुनिया से फंड आए हैं, इतने फंड आए हैं कि अगर आप उसका 25% भी लगा दें तो ये मुल्क हमारा दोबारा सारा बन सकता है। जो जो लोगों का सैलाब से नुकसान हुआ है वो सारे अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। तो प्लीज आप इसके बारे में सीरियस होकर सोचें, अपने मामलात को एक साइड पे रखें और इन लोगों का सोचें। आगे सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में ये लोग अगर आप लोगों ने इनके हेल्प आउट नहीं किया तो ये क्या करेंगे। तो भाई जान आपको ही पैगाम देना चाहेंगे। जी तकरीबन सैलाब अतम मैंगम तारीख बने सैलाब रहा होते 25 तारीख बने माँ लाल वर्क कौम रहा लो कौम रहा था मिनत हो माँ इख्तियार वर्को कौम ला कौम पखपल फैसला वकड़ा बेचेरा कौम फैसला नहीं वकड़ दा माँ पंजूस रकम दा कौर ना वर्को खुजर इज्जत मजबूर शो माँ बेचेरा कौम दे सब्जियां खराबी की माँ शुमान दी जनान दी अभी फैसला वकड़ा बेचेरा मुंग बता मुंग पकोम बने चांदा कहू दरी के लिए मुंग चांदा कहू कल कोट तल दामोताई वैसे मुंग तालब दो लस लख रुपये दर कहू मुंग लला रा कमा वाल लला रोड का वैसे पथलोरम और बताता रुपये मेला उसे नन तारीख का पूरी ना कौम चांदा वो खड़ो वैसे बल और उसमें जगत टेलीफोन वलशेरा जी तागे माँ से वैसे डी शर्मा खबर ही करी दे डी सी बता लदर की रुपये नमा वर्ती वैसे डी सी दी सर जमा से कार रिश्ता जमा कार करी ना सारा दे कौम सारा दे जब डी सी सी का माल रागली हो अगुई तो माल रहा जा दखड़ी हो अगुई माल रहा क्यों का अगुई माल नहीं रागली हो तर आगे लेनो तर आल दबे तब नन तारीख पूरी आगे अड़ू दवाम न वेलो पदे की कलकोट वालम दी तल वालम दी अगर बार बार राजी हो बार बार पर गंडक ही हुआ चेहरा तकोर माँ अगस्त से नुमा जनन रहा हुआ तुम दे रोड तब देर मजबूर हम दे रोड रहा हुआ तुम नन जगोर हम चीज अच्छा अच्छा अगस्त से साढ़े माल रहा चेहरा माता ने पैसे दर करे कोर माँ अगस्त से बकायद हिसाब जैसा कौम दे दा कौम दे पल दार बंदोबस्त की जोर रोड लान दी डांगे डांगे दी वही जोर रोड पल आजाद अब जब अखपल कोर तो फिल्म कम जद ये कौम न बकाए इस हम नालम जमाच कम तावन शो अगर जब पुएश हो अगर तावन पुएश अगर बमाल अल्लाह राखी बकायद जान डांगे हुई क्यों कम जैसी पागी दीजिए मासर नूर ला रही निश्चित। जी ये अपनी हमारी जो इनकी मकामी जबान है उसमें बता रहे हैं। अब्दुल सत्तार भाई जरा ट्रांसलेट कर दीजिएगा प्लीज, ताकि मेरे जो बाहर के चैनल्स वाले हैं वो भी समझ जाएं। जी प्लीज। इन्होंने ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट के साथ अगर हमारी बात होती है तो तकरीबन 60-70 लाख रुपए में भी ये रास्ता मैं नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ के लोकल जो बड़े लोग हैं मशरान है तो कमेटी है, उन्होंने हमारे साथ बात की है, मैंने मतलब उनकी रिस्पेक्ट की है, उनकी बात एक्सेप्ट की है। तो उनके साथ जो हमारी बात हुई है वो 12 लाख रुपये की बात हुई थी, और जो कि उन्होंने एक टाइम दिया था उस टाइम पे मुझे पैसे नहीं मिले। अभी उनके साथ मेरा रब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा है कि ये पैसे आपको जो है गवर्नमेंट देगी, तो DC साहब आपको पैसे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपको पैसे पे करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। और लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूँ उन यहाँ के जो लोकल लोग हैं कि अपना जो पुराना रोड था वो बहाल करें, और ये मैं अपना जो रास्ता मैंने दिया है ये अभी मैं मजीद नहीं दे सकता हूँ। जी जजाकल्ला जी, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक से खसूसी दुआ है अल्लाह पाक आपके मामलात में आसानियाँ फरमाए, और इंशाल्लाह ये मैं अभी वीडियो अपने तमाम चैनल्स पे अपने दोस्तों को मैं मीडिया से खुद दूँ, तो इंशाल्लाह मैं अभी ये वीडियो पोस्ट करवाता हूँ और अल्लाह खैर करेगा हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें कहेंगे हम इधर आपके साथ खड़े हैं, हर जगह हम आपके साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।